नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में अगर बात की जाए तो आज के दिन इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली है और ये शेयर बहुत ज़्यादा हमें आज डाउनफॉल में देखने को मिला है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है, इसका सपोर्ट का लेवल कौन सा रहेगा, और जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपने इसमें अपनी नेक्स्ट मूव क्या लें, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या ये एक मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का, ये जो गिरावट आई है क्या इस गिरावट में इसमें इन्वेस्ट करना सही है या उनको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और इसके अलावा एक बहुत दिग्गज फर्म ने जो है इससे जुड़ा हुआ काफ़ी बड़ा जो है अपना बयान दिया है, उस बयान को भी जानेंगे कि कौन सा वो जो है अपडेट निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसमें अभी और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में, तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं, इसमें आपको फ्री में इंट्राडे की ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक डील करते हैं या आप जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारी सुविधा आपको मिलने वाली है इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल इजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है टाटा मोटर्स में आज के दिन। तो आज देखिए इसमें ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पर, 455.95 पर इसमें ओपनिंग हुई थी। और ओपनिंग का देखिए इसने अपना 461.55 का हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद क्या हुआ देखिए, लगातार अगर आप देखें तो टॉप से बॉटम तक कंपेयर करें तो इसने जो अपना लो टच किया है वो कितना 405.45 मतलब कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसमें गिरावट हमें जो देखने को मिली है ओवरऑल 10.71% की हमें देखने को मिली। अगर आप देखें अगर उसको टॉप से बॉटम तक तो लगभग गिरावट 11% के आसपास की हमें देखने को मिल रही थी आज। 11-12% गिरावट काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है अगर किसी एक शेयर पर्टिकुलर शेयर से अगर देखा जाए तो। और वो देखिए 51.10 की गिरावट, अब ये शेयर 425.90 पर पहुंच चुका है। बात करें वन वीक में, तो वन वीक में देखिए अगर आप गौर करें तो लगभग 15% की हमें गिरावट अभी एक हफ्ते में देखने को मिल चुकी है। अभी तक देखिए ये साइड में चला था, ऊपर नीचे कर रहा था एक छोटी चेंज बना के, लेकिन एकदम से इसमें हमें एक देख बोले तो डाउन ट्रेंड देखने वाला है, और डाउन ट्रेंड अब जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए बहुत ज़्यादा आज हमें गिरावट इसमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि इसमें आज की गिरावट का रीज़न क्या है और क्या कौन सा वो अपडेट निकल कर रहा है, कौन सा वो बयान जो है बहुत बड़ी फर्म के द्वारा दिया गया है। तो आप देखें ये हमारा जो अपडेट है 24 फरवरी 2022 12:40 का अपडेट है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ब्रोकरेज फर्म CLSA मेंटेन्स इट्स सेल्स रेटिंग ऑन ऑटो मेजर टाटा मोटर्स फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 408 रुपये, मतलब कि 408 रुपये का तक का प्राइस रखा गया है, और उसमें लगातार सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने मिलने वाला है। ये जो कि किसने बोला, ये बोला हमारे ब्रोकरेज फर्म CLSA ने। CLSA सेज दैट JLR पर अंडर परफॉर्म पीयर्स इन जनवरी विच वर एक्सपीरियंस्ड अक्रॉस ऑल जियोग्राफीज। दे हाईलाइट दैट जगुआर इज ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल JLR रिटेल एंड हिज सिक्वेंशियल ड्रॉप इन वॉल्यूम्स दे फील पोज्ड अ रिस्क टू गाइडेंस गिवन अर्लियर बाय कंपनी। दे ऑल्सो नोट दैट द JLR वॉल्यूम हैंग्स ऑन ईजिंग चिप शॉर्टेज, द स्टॉक इज अमोंगेस्ट द टॉप निफ्टी लूजर टुडे। ये चीज तो उन्होंने बोली कि आप आज के टॉप मतलब लूजर में रहे ये आपने टाटा मोटर्स आज के दिन। और इसने गिरावट के दो तीन रीजन क्या निकल के आ रहे हैं कि देखिए तो चिप की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और जो JLR का जो अंडर परफॉर्म जो पीयर्स में देखने को मिला है जनवरी में, ये बहुत ज़्यादा बेसिक रीजन है इसमें गिरावट का। मतलब कि गिरावट अभी आपको और भी देखने को मिलेगी, जो बड़े बड़े अपने बोलो तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें ये शेयर आपका 400 रुपए के लेवल तक जरूर जाता हुआ देखने को आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें गिरावट का सपोर्ट का लेवल कौन सा रहेगा, जब गिरावट आ रही है तो सपोर्ट भी जरूरी है कि कहाँ जाके सपोर्ट लेगा, और इसके आगे के कौन से टारगेट रह सकते हैं। तो हम चलते हैं उसकी अपने चार्ट की तरफ। तो चार्ट पर अगर आप गौर करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए वॉल्यूम हमें देखिए लगातार कम देखने को मिल रहा, देखिए वॉल्यूम लगातार कम था, बहुत कम वॉल्यूम में ये ट्रेड करता था। आज देखिए वॉल्यूम में हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला है, देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा आज बड़ा है, और इसी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट की वजह से देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें ट्रेड हुई, और गिरावट भी हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया, और उसी सेलिंग प्रेशर की वजह से एक बड़ी रेड कैंडल हमें डे लेवल पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सपोर्ट की, सपोर्ट देखिए जो सबसे अभी मेन सपोर्ट जो देखने का आ रहा है वो मैंने निकाला है अपना मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अबू जो है अभी जो है वो कितना है 427.95 रुपीज़ का हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, मतलब कि जिस पर ये चल रहा है अभी प्राइस 425 के आसपास पर, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये सीधे फिर आपका 394.70 हमारा इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये भी मैंने मंथली चार्ट से निकाला है।
तो ये आपके दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट के लेवल रहेंगे जिस पर भी करंट प्राइस पर चल रहा है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये आपका सपोर्ट टूट जाएगा। और आपका सबसे मेन सपोर्ट जो है वो आपका 394.70 मतलब कि 400 रुपीज़ के आसपास पर ये शेयर आपके जाने की बहुत ज़्यादा संभावना अब बन रही है। क्योंकि देखिए शेयर बढ़ा भी बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ शेयर बढ़ा था, और ये जो रेंज बनी थी आपके अगर आप गौर करें 450 to 530, अगर आप देखें तो ये 80 रुपीज़ की रेंज में बहुत दिनों से, अगर आप देखें लगभग लगभग 13 अक्टूबर से लेकर देखें तो अभी तक ये शेयर इसी रेंज में घूमता हुआ रहा। और जैसे ही ये रेंज टूटी है तो देखिए बहुत तगड़ा गिरावट आई है, और आज देखिए बहुत ज़्यादा इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसका बेसिक रीज़न एक तो जो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि JLR का जो अंडर परफॉर्म रही है इस जनवरी महीने में, और इसके अलावा सेकेंड चीज़ जो निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी में जो आज गैप डाउन हुआ है बहुत ज़्यादा उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बाकी रशिया और यूक्रेन का जो बीच में जो झड़प चल रही है उस झड़प का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर एक मार्केट सेक्टर के जो शेयर हैं देखने को मिल रहा है, खासकर कि अपना भारत में जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं, अपने ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो गया, या इसके अलावा अगर आप देखें तो एनर्जी सेक्टर, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है निफ्टी में गिरावट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर क्योंकि देखिए पावर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और जो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है इनके शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, और खास करके अपना टाटा मोटर्स। तो देखिए आपका सपोर्ट लेवल कौन सा है 394.70, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसमें अभी भी क्या करें, होल्ड ही करें, मैं तो बोलूँगा कि लॉस में ना निकले, लॉस आपका जितना भी हुआ है, अपना जितना लॉस ये खाया है वो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन आपका ये लॉस बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसमें अभी होल्ड करें, बाकी नई पोजीशन अभी इसमें ना बनाएं, ठीक है, नई पोजीशन इसमें अभी अवॉइड करें थोड़ा सा, नई पोजीशन के लिए ये 394.70 बहुत अच्छा लेवल है इन्वेस्ट करने का। बाकी शॉर्ट टर्म वाले भी इसमें अभी बिल्कुल बाइंग अवॉइड करें, इस लेवल पर आप जो है अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो हमने शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग भी लॉस में ना निकले, अपना लॉस रिकवर करके निकले, लॉस में निकलने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका जितना भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो ही जाएगा, वो परेशानी की बात नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, ईवी सेगमेंट में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ईवी का काम बढ़ेगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उसमें टाटा मोटर्स का ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि टाटा पावर स्टेशन लगाएगा और टाटा मोटर्स गाड़ियों के जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो इसलिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म बेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आपके लिए साबित होने वाली है। बाकी आपका टारगेट जो रहेगा अभी के लिए वो आपका टारगेट नंबर वन जो है ऑलमोस्ट 453 के आसपास का आपका टारगेट नंबर वन रहने वाला है, आपका 453 के आसपास का टारगेट नंबर वन रहेगा आपका, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 454, 453 आपका टारगेट नंबर वन है। बाकी सपोर्ट आपका कौन कहाँ पर है वो है 394.70। बाकी ये थे लेवल्स, और यहीं तक था वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपने पैसे निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।